हेलो। हाय यस अंकल, ने तो बताया होगा आपको मेरे बारे में. नहीं, मुझे बता दिया था, सो आई थॉट दैट आपको भी पता होगा. अब मैं ओ हाँ, मेरे को बताया था उन्होंने। मैं आपके बारे में एक्चुअली सोच रहा था। तो कैसे हो आप? ओहो, ऑलरेडी सोच रखा है. वैसे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची है आपके बारे में. सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे पापा ने भी बहुत कुछ सोचा है, और इसलिए तो कॉल भी लगाया है ना आपको. बात करेंगे पापा भी. अच्छा, उससे पहले पूछना था, व्हाट डू यू डू? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पापा का बिजनेस है, 4-5 फैक्ट्री हैं कपड़ों की, तो ज्यादा कुछ मेरे को नहीं करना पड़ता। अच्छा, और अगर हॉबीज की बात करूँ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू लाइक? ऐसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना, महंगी महंगी गाड़ियां रखता हूँ, ऐसे लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है, और तो ज्यादा कुछ हॉबीज नहीं है। किसे बात कर रही है बेटे? पापा, ये अच्छा, बेटा कैसे हो? सही हाँ कौन अंकल? कोई बात नहीं, जीता रहे। हाँ बेटा क्या करते हो? हाँ, तो वही मैं तो यही बता रहा था कि ऐसे फैमिली बिजनेस है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. वही थोड़ा बहुत है, उसको ही संभालता हूँ मैं. तो पापा या एक सेकंड, ये कैच कर। हाँ बेटा, ये ज्वेलरी मुझे ना थोड़ी ठीक करानी है, आप बात करो, मैं आती हूँ. ये ज्वेलरी टूट गई तेरी, हाँ इसको रिपेयर करा ले, हाँ हाँ पहले ठीक है? ओके. ज्वेलरी रिपेयर क्यों करानी है? नई ले लो ना. नहीं लेने के, चलो वो बाद में सोच लेंगे। एक्चुअली ज्वेलरी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं ही लेनी चाहिए अगर कुछ खराब हो जाए तो. और वैसे भी मतलब मैं तो 24 कैरेट गोल्ड ही पहनता हूँ, मैं प्रेफर वही करता हूँ. तो अंकल, रहते कहाँ बेटा, रहते कहाँ? एक ठिकाना हो तो बताऊँ. ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ. एक हमारा घर जीके में है, और एक फार्म हाउस है छतरपुर में, और बाकी मैं दिल्ली ज्यादा रहता नहीं हूँ, तो ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ. और बाकी ये कोविड खत्म हो तो मेरे को लंदन भी जाना है, तो वहाँ पे भी एक फ्लैट है अपना डुप्ले, तो वहाँ भी आता जाते रहता हूँ. बस ये कोविड की वजह से थोड़ा इंडिया में फंसा हूँ, वैसे तो बाहर ही होता हूँ मैं ज्यादातर. बड़ा वैसे ही मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, अब की तो सारी चीजें पता है, पाला है बच्चे को, आपका एम क्या है? मतलब क्या एम, क्या है मकसद, क्या है? अंकल, मैं अभी को भी बता रहा था कि मेरे को ऐसे लग्जूरियस गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक है, चलाने का बहुत शौक है. तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल यही है मैं कि मैं जो सबसे पहली गाड़ी हो टेस्ला की, वो मेरे पास हो. तो बात चल रही है उनके साथ भी. मतलब इंडिया में जो पहली टेस्ला हो वो आपके पास हो? हाँ जी, हाँ अरे जी. वाह, अरे वाह। आपके पापा क्या करते हैं बेटे? पापा की करोल बाग में 4-5 दुकानें हैं, और मैंने बताया कि फैक्ट्रीज भी हैं. तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या करते हैं हम. तो अभी बस ऐसे ही है, चल रहा है. अंकल, आप क्या करते हैं वैसे, बाय द वे? मैं इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर हूं बेटा। टेस्ला दिलवाऊंगा इसे पहली। हेलो. हाँ माइंड मत करना मेरे को, आपका जो फ्रेंड है उसने नंबर दिया था, एंड इससे हाँ पहले सर, आप कुछ बताइए. नहीं, नहीं मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आप कुछ गलत समझो, ने मुझे ये बताया कि मैं आपसे बात करूं। आई एम अ डॉक्टर, ओके आई एम अ डॉक्टर। ओके ओके ओके, ठीक देखो है. पहले नहीं हो ऐसे आदमी जैसे मैंने बात करी, और मेरा मानना यह है डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, आई मीन बिल्कुल सर. सारी चीजें खुल के बोलनी चाहिए। तो मेरे को कह रहा था पता नहीं वो हिचक रहा है, पता नहीं वो हिचक रहा है, शर्मा रहा है, बात नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मुझे मुझे ये जानना है, आप तो खुद मेच्योर हो, क्यों करते हो आप हाँ जी ऐसे? सर, मैं बोलो, टॉक टू मी, आपका टॉक टू मी। सर देखो देखो देखो, आपके बोलने से नहीं, जब वो तक तो आप, ठीक है, जब तक आप समझाऊं मेरे आपको, को नहीं, बताऊं हाँ कैसे, बताइए बताइए, मतलब बताऊं कैसे आपको, किस किस वर्डिंग में समझाऊं आपको ये आप बात. समझाइए, क्योंकि मेरे को सर तो उसने बता वो दिया, मेरे को उसने बता दिया और उसने कहा कि आप समझा के देखिए। बस मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, क्यों करते हो आप ऐसे? माहौल बन जाता तो करना पड़ जाता सर, बाकी है तो गलती ही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती ना आगे. नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपको पता है कि गलती है तो फिर क्यों कर रहे हो उस बात को, ये बताओ मेरे को। सर जी, मैं तो खूब कोशिश करता हूँ ना, अगर ऊपर पहुंच ही जाता है, हो ही जाता है, क्या करूं. कुछ सोच लो, कुछ पढ़ लो, कुछ देख लो. तो सर वो जी, ये मेरा तो मन करता भी नहीं, पर वो आदत ऐसी पड़ी हुई है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता, और अकेला हूं मैं तो क्या करूं सर.
मतलब कई बार अफसोस, इतना अफसोस हुआ है, अपने आप को बेल्टों से भी मारा है, मैं ना करूं मैं ना करूं, पर नहीं हो कंट्रोल सर, क्या बताऊं, नहीं हो पा रहा। फिर मैंने क्या हुआ कि एक बार किया मैंने, अफसोस हुआ, फिर मैंने सोचा चलो गूगल से देखता हूँ उसमें क्या आता है, उसमें लिखा हुआ था कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने फिर किया। अब सर ये है ना, अकेला हूँ, बोर हो जाता हूँ तो भी करना पड़ जाता है, खाली जिस दिन हो छुट्टी हो उस दिन भी करो। अब रूम में अकेला हूँ तो कोई पार्टनर भी नहीं, पार्टनर हो तो कोई रोक दे, कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो मैं तो नॉन स्टॉप। नहीं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं लड़के, वो आपको नहीं समझाते? अरे सर समझाते क्या, वो खुद करते हैं, वो तो इंस्पायर करते हैं मेरे को, और फिर पछताते बाद में मेरी तरह की, क्यों कर लिया, ये क्या हो गया। सर इससे एक बात पूछनी थी सर, इसे टांगों पे तो कोई कमजोरी नहीं आती? नहीं वो मैं सब बताऊंगा आपको, मैं सर परेशान बहुत हूँ, बस मेरे को ये कोई बता दे कि इससे कोई नुकसान है या नहीं है, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपना। नहीं देखिए, नुकसान और फायदा तो बात की बात है, लेकिन एक चीज जब आपको मालूम है कि नुकसान, चलिए अगर उसका नुकसान है, मैं कह रहा हूँ नुकसान है, तो आप करते क्यों है, क्या ही बताऊ मैं आपको। हो जाती है सर, मन कर जाता है। तो मैं ही पूछना चाहता हूँ, ये कैसे आदत लगी आपको? सर बचपन में स्कूल में असाइनमेंट्स वगैरह मिलते थे, हम जाते थे साइबर कैफे पे, तो वहीं से शुरुआत हुई है इसकी। और सर आपको ये तो मालूम ही है, सुबह उठने के बाद हमें लड़कों का क्या होता है, सुबह उठ के तो करना ही करना। देखिए जितनी बात आपने मेरे को बताई है, मैं अब आपको एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल खुल के बताऊंगा मैं। आपका पहला सवाल ये था कि डॉक्टर साहब इसमें पैरों में कमजोरी होती है कि नहीं होती है? हाँ जी, सिर्फ पैरों में नहीं, पैरों में नहीं, पूरे शरीर में कमजोरी होती है। अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए स्मोक जब आप करोगे ना तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। आपने सिगरेट पी, पूरे शरीर में कमजोरी होगी ना उससे, सिर्फ पैरों में ही थोड़ी। दूसरा ये था कि सोचने के बाद ज्यादा हो जाता है, सोचना, लोगों ने सोचने के बाद ना पता नहीं क्यों रोक रखा है कि सिगरेट पीनी पीनी है, बुरी चीज है ये। कई लोगों को लगता है कि सोच ही नहीं पाएंगे बिना सिगरेट पिए हुए, तो आपने शुरू में कहा था कि सर सोच के ज्यादा होता है। तीसरा एक अहम पॉइंट जो आपने कहा कि सर सुबह सुबह तो करना ही करना है, आप 3 दिन करके देखिए, पहले दिन मुश्किल होगा, बिना सिगरेट पिए मोशन पास होगा आपको, आप समझ रहे मेरी बात। और देखिए जो आपने बताया कि कोई है नहीं रूम में इसलिए ज्यादा हो जाता है, कोई रूम पार्टनर रखिए जो आपको मना करते रहे कि सिगरेट नहीं पीनी, किसी भी तरह नहीं पीनी, आपको समझाता रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि गूगल पे जाके आपने सर्च किया कि इससे नुकसान तो नहीं है, कौन से गूगल पे लिखा है कि इससे नुकसान नहीं है सिगरेट पीने से? कौन से गूगल पे लिखा हुआ है, कौन से इंटरनेट यूज कर रहे थे जिसमें लिखा हुआ है कि नुकसान नहीं है? प्लीज आप प्रॉमिस करिए कि आप ये छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल, वो तो से बात हुई उसने, मैंने कहा खुल के बताए सारी बातें, आप प्रॉमिस करिए कि सिगरेट छोड़ेंगे। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं छोड़ दूंगा, सिगरेट पीने भी छोड़ दूंगा। सिगरेट पीने भी मतलब? डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलने आऊंगा क्लिनिक, तब बताऊंगा आप सारी बात। ठीक है ठीक है, ख्याल रखिए, सिगरेट मत पीजिए बिल्कुल, ठीक है? ठीक है सर। हेलो, हेलो सर। हेलो सर, मैं गैलरी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइन्स आने वाला है तो सर हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए कोई कार्ड लेते हैं तो अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसमें हम 30% डिस्काउंट दे सकते हैं कार्ड्स पे। और भी गिफ्ट्स हैं सर, जैसे कि कोई टेडी बेयर लेते हैं आप या कोई की चेन लेते हैं तो इस पे सब पे डिस्काउंट होगा सर। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई कार्ड वार्ड या टेडी बेयर नहीं लेना यार। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइन्स आने वाला है तो हमारा ये कपल ऑफर चल रहा है तो इसमें अगर आप टेबल अभी से बुक करा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ तो इसमें आपको हम स्टार्टर्स फ्री दे रहे हैं, लाइक मेन मेन्यू मेन कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट होगा लेकिन स्टार्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। सो सर मैं क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ उसमें? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है यार मेरी यार, वैसे कोई ऑफर दिया नहीं जाते आप हमसे। नहीं सर अभी तो यही चल रहा है तो मैं ये कह रहा था आप इसमें अगर अवेल करते हैं तो आपको फायदा है इसमें। तेरे समझ में नहीं आ रहा यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी अभी। इसमें ये होता है ये वैलेंटाइन वीक है तो हम अपने कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं सर, आप अगर चाहते हैं अपने पार्टनर का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना तो इसमें काफी डिस्काउंट है सर। अरे जो क्या हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रियली सर? ना छुपा के रखी है तुझसे भी और मुझसे भी। हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रैवल्स।
सर क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो ये कपल के लिए हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन फिक्स कर रहे हैं और इसमें अच्छा डिस्काउंट है। अबे नहीं है यार, मेरी गर्लफ्रेंड समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। सर आप पूरी स्कीम सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें ये है, अबे नहीं सुननी मुझे यार कोई स्कीम यार। सर पूरा सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टू एंड फ्रो तो अबे नहीं है गर्लफ्रेंड मेरी यार, पैकेज का क्या करूंगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी। हेलो, हाय सर, आई एम साहिल कॉलिंग फ्रॉम सिनेमा। सर क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो आप। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी यार, एक लड़की नहीं है सालो, तो नहीं है मेरे पास गर्लफ्रेंड। सर मैं मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था सर अगर आप अवेल करते हैं ना अभी तो इसमें कॉर्नर सीट मिल जाती है दो आपने। अरे यार हम छह लौंडे समझ रहा है तू, छह लौंडे, छह दिलानी है तो छह दिला, लौंडों के साथ जिंदगी गुजर गई है मेरी, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। बट नहीं है गर्लफ्रेंड, यही कह रहा हूँ, फोन मत करो यार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम्स। मैं आप, आइए आइए, आप ही का इंतजार था, कब से कॉल नहीं आया आपका, क्या करूंगा उनका है? तुम्हारे काका को लेकर जाऊंगा उसमें, कितनी बार कह दिया भाई नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इसमें अगर आप अवेल करते हैं ना अभी वैलेंटाइन वीक है तो इसमें हम आपको क्वीन साइज बेड देते हैं तो उसमें होता क्या? काम करना यार, तू ही बन जा मेरी क्वीन यार, एक काम कर यार, चल मेरे साथ, मैं तेरे ही मारूंगा, कितनी बार कहूं यार नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप, मैं आपसे क्या कहूं, काम मैं तोड़ दूंगा यार तेरी, कितनी बार कह दिया नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार, कॉल पे कॉल किया जा रहे हो तुम। सर आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूं आपको। साले इस बार ना वही आके मारूंगा, बता रहा हूं मैं क्या करूंगा यार इन सब चीजों का, पूल का, रूम का, अचार का, क्या करूंगा इन सब फैसिलिटी का मैं। ओ मैं समझ गया सर। सर ये वाला ऑफर मैं अगर फरवरी की जगह आपको मार्च में दे दूं तो? अरे तब भी नहीं होगी कुत्ते के बच्चे, फोन रख दे, मैं बता रहा हूँ, अब की बार आ गया है तेरा कॉल। आई एम सॉरी सर। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड यार, कुत्ते के बच्चों, क्यों कॉल पे कॉल किया जा रहे हो यार। हेलो, मैं नहीं सुनना चाहता यार, नहीं यार, सर से बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। सर आपका मैं अकाउंट देख रहा था, थोड़ी अकाउंट डिटेल आपको बतानी थी, अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ, क्यों? सर मैं ये देख रहा था अभी जो अमाउंट है आपके आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट, आपको मालूम है सर कितना है? हाँ पता है मुझे, कुछ 25,700 है। राइट सर, तो मैं पूछ रहा था सर इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप, क्या मतलब कैसे मेंटेन? सर क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि अगर मैं तो मेरा समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल किए जा रहे, ऑफर पे ऑफर किए जा रहे, क्या करूंगा मैं इन सबका, नहीं है। सर समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए, यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। तू क्यों पीछे पड़ा, तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या है, क्यों मेरा पीछे पड़ा है? क्योंकि सर मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड, चलो इस वैलेंटाइन मिलके मनाते। सर इतनी अच्छी स्माइल के बावजूद गर्लफ्रेंड नहीं है। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, हैप्पी वैलेंटाइन। अब जितनी स्कीम मैंने इसको दी है, अगर आप इनमें से कोई स्कीम किसी को देना चाहते हैं तो उसको फॉरवर्ड करिए, ये जिसकी नहीं है गर्लफ्रेंड। हेलो, इज दैट मिस्टर विकी? हाँ जी बोल रहे हैं जी। मिस्टर विकी हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप इंडिया। सर आप देख रहे होंगे ना, आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, वो अग्री करना है ना आपको? नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। हाँ जी, क्यों करूं मैं ओके उसको? क्योंकि सर क्यों आप व्हाट्सएप चला रहे हो ना, एंड वी आर फ्रॉम व्हाट्सएप। नहीं आप हो, उससे मुझे क्या लेना था ना, पर हम ओके क्यों करें, क्यों करूं मैं ओके? सर आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे प्रॉब्लम बता दो कि ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं देख रहा हूँ, कई बार नोटिफिकेशन भेजा आप अग्री नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे प्रॉब्लम भैया मैं क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊं आपको? नहीं आपको हमसे कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? आप मतलब ये क्या पूरा ढकोसला है आपका, आप तो बेवकूफ बना रहे हो। नहीं कोई ढकोसला नहीं है सर, माइंड योर लैंग्वेज, कोई ढकोसला नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। आप तो हमारी रजाइयों में घुसने की कोशिश कर रहे हो सर। आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप ना खमखा आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको, सिर्फ अग्री दबाना है, आपको क्या डर है, डर क्या है?
सर डर की बात नहीं, हम क्यों आपको अपने आप, फिर वही बात हो गई ना, हम मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, किसी को क्या भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ आपको, क्यों आपको मैं डाटा लेने दूँ अपना? नहीं, अगर हमें पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा ऐसा सर? आपको ऐसे कैसे पता चल जाएगा, आप फिर से बेवकूफ बना रहे हो देखो। नहीं, अगर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर अग्री दबाते हो, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई साहब, मेरी प्रिवेसी चली जाएगी, मैं क्यों बताऊं दुनिया को? क्यों जाएगी प्रिवेसी, कभी गई है? आप ये बताइए, कभी गई है आज तक? ओके, मैं आपको बताता हूँ, आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपका एक ग्रुप है, आप ही ने क्रिएट किया है, जिसका नाम है लौंडा गैंग। उसमें आप रात को 1:30 बजे 2 बजे किस तरह के फोटोग्राफ्स, किस तरह के वीडियो शेयर करते हो, कभी बताया है व्हाट्सएप ने किसी को? आप उस ग्रुप में 15 लोग हो, और ये बात हम सिर्फ 16 के बीच में, आप 15 और मैं व्हाट्सएप, कभी बताया मैंने? कभी भी मेरे मुझसे कभी नहीं निकला। आप इसको छोड़ो, हमारे पास कैमरा फोन और माइक्रोफोन एक्सेस भी है। अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते आपने अपने अपने बॉस से बात करी थी, वीडियो कॉल करा था आपने, वीडियो कॉल खत्म होते ही आपने कहा था का समझता क्या है पता नहीं अपने आपको, और अब भी आप ये दिखाते हो कि आप उसकी इज्जत करते हो। कभी बोला है हमने? कभी बोला है? कितने साल से आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? नहीं, एक बात बताइए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? आपने अपनी वाइफ को मैसेज किया कि आप मीटिंग में हो, है ना, कि मीटिंग है, देर तक रुकना पड़ेगा, और आप लड़कों के साथ, मुझे पता है ना कहां बैठे हुए थे, बोला है हमने? बोला है? आप एक बार बता दिए, एक बार भी बोलिए एक बात, इससे ज्यादा क्या ट्रस्ट की बात होगी? रिसेंटली आपने अपने, आई थिंक आपके चाचा ही हैं, हाँ चाचा ही लगते हैं, उनको अपना पूरा अकाउंट डिटेल दिया है, हाँ, विद IFSC कोड, विद पासवर्ड। मैंने बताया किसी को आपका क्या पासवर्ड है? आपका क्रश था ज्योति, यू नो, ये भी मालूम है मुझे। अभी रिसेंटली आपने ज्योति को एक व्हाट्सएप लिखा और लिखते डिलीट कर दिया। आई नो क्रश है, याद आती है मुझे ये तक मालूम है मैंने उस मैसेज में आपने क्या तक क्या लिखा था, कभी बोला है मैंने? हेलो मिस्टर, हेलो, यस सर, सुनो यार, आप जो भी हो मुझे नोटिफिकेशन दोबारा भेज दो, मैं अग्री कर दूंगा। सर आपकी मर्जी है, आप अग्री करें ना करें, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, ये आपकी मर्जी है सर। मैं तो नवेद बोल रहा हूँ, आपका डेटा लीक किया था आपके दोस्त जगजीश ने, उन्होंने कहा था आपका मुर्गा बना दें, और मैं फोन रख रहा हूँ इससे पहले कि आप शुरू हो जाएं। सर थैंक यू सो मच, सोच समझ के करिएगा जो भी कुछ करिए। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज़ से अंदाजा होगा जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है, अब वजह क्या होती है ये पंखे तरह पता करते हैं, और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम, चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ का दोस्त, भाई मैं पहुंच गया, भाई कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसको बताइयो मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। हाँ हाँ, अरे भाई पक्का नहीं बताऊंगा, थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार थैंक यू, तो ठीक है, तू नया नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना, और यार थोड़ी ना शोर कम करना, पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी, सारे लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? और भाई सुन, जल्दी जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई, भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उसे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, दोस्त वाली बात है, कर लेना, बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई पक्का, थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्ती है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे, थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले, मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई, वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ, नया नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करके बस निकल लियो, मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता अपना ऐसे दोस्तों? भाई पता किसे, ये बात बता के करूंगा। ये भी सही है भाई, ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है, खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे अरे यार, हाँ उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना पहले जोर।